गुड मॉर्निंग। सो राजस्थान ने फाइनली अपना फी स्ट्रक्चर है वो रिलीज कर दी है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें, नज़र मारें। वेबसाइट पे है कुछ, देखिए स्पेशली बताने को नहीं है लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है। तो एक तो जैसा कि वो आया था कि जो सीट मैट्रिक्स आया था उससे हम जानते ही हैं कि पैसिफिक जो था वो गायब हो गया था एक, राइट। ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि हर एक कॉलेज का आपको एक एड्रेस दे दिया, पता बता दिया है जो उस कॉलेज के रेलिवेंट लोग हैं कि आपको किन से बात करनी है। और चूंकि मैं भी काफ़ी यहाँ तक लोगों को जानता हूँ काफ़ी हद तक, तो आई कैन अश्योर यू कि मोस्टली ये लोग वही हैं जो इन कॉलेज के मतलब मेन इंचार्जेस हैं, और उन्हीं का नाम, उन्हीं का फ़ोन नंबर इसमें लिखा हुआ है। बाकी सब डिटेल्स हैं वो बड़े आराम से लिखी हुई हैं, बहुत क्लियरली लिखी हुई हैं कि आप जब जाएंगे तो आपको वहाँ पर किन लोगों से बात करनी है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात आते हैं फीस पे। अब देखिए, इवन जो स्टेट कोटा है उसमें अमेरिकन 19 लाख रुपए साल की फीस मांग रहा है, और इसी फीस में आपको JSS, JLN बेलागवी जैसे कॉलेजेस मिल रहे हैं। सो मैं मान सकता हूँ कि जिसके नंबर कम है वो ले लेगा, लेकिन ना कभी कभार राजस्थानी से मैं बात करता हूँ ना कि सर मुझे स्टेट कोटा में मिल गया। अभी स्टेट कोटा में तो 19 लाख रुपए साल की फीस दे रहे हो, 19 लाख रुपए खर्च करके आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस राजस्थान के बाहर हैं। और मैनेजमेंट सीट के तो 25 लाख रुपए ले रहे हैं, ठीक है। लास्ट में डेफिनेटली अगर सीटें खाली रहती हैं तो ये नेगोशिएट भी करते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कम कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फीस स्ट्रक्चर इज़ वेरी हाई। तो क्या हम अभी से जाके राजस्थान में सीट ले लें या हम दूसरी जगह ट्राई करें? और वैसे भी इस बार तो राजस्थान राउंड 3 से पहले नॉन राजस्थानी को सीट दे ही नहीं सकता, तो राउंड 3 में हम जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे तब तक एटलीस्ट स्टेट राउंड 2, मतलब कि डीम्ड राउंड 3 तक, वाई डोंट वी ट्राई टू गेट अ सीट इन सम अदर कॉलेज। मतलब आई गेट सरप्राइज लुकिंग एट दिस फीस, 19 लाख रुपए। सेम अनंता भाई 18.90 और 24 लाख इस साल की फीस आ गई है। गीतांजलि 21 लाख, जो स्टेट कोटा होता है नॉर्मल 28 लाख। और जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, सिर्फ गीतांजलि है प्राइवेट कॉलेजों में जिसपे कुछ सीटें हैं, बिल्कुल कुछ सीटें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि कभी कभार गवर्नमेंट और इनका एक टाई अप हो जाता है। और वो मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपको सीट मैट्रिक से भी ना पता चलता है कि गीतांजलि के अंदर कुछ सीटें होती हैं जो कि हम कहते हैं गवर्नमेंट फीस की होती है। तो ये जो उनकी सारी सीट्स हैं इसमें इसमें आपको दिखती हैं वो सीटें जो कि गवर्नमेंट इनका कोटा आता है। ये देखिए गवर्नमेंट से टोटल मिला के 10 सीटें हैं। ये जो 10 सीटें हैं जिसके अंदर फिर फर्दर रिजर्वेशन भी, आपको पता है राजस्थान में बहुत भयंकर रिजर्वेशन चलता है बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स का। मतलब हर कॉलेज में, सरकारियों में भी गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है, आप प्राइवेट में आ जाइए तो भी हर जगह रिजर्वेशन है, और प्रति जैसे गुड रिजर्वेशन है, छोटा मोटा नहीं है। तो जो डिवीजन ऑफ लेबर वो है वो काफ़ी ठीक ठाक सी है कि देखिए 34-12, मतलब 48 में से 46 में से 12, तकरीबन 30% सीट रिजर्व रहती है हर कॉलेज में गर्ल्स के लिए। ओके 27-28%, और ये गीतांजलि की सीटें थी। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, इसको तो फायदा नहीं है, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। MGM तो देखिए यहाँ का शानदार कॉलेज है, और इसी हिसाब को ये पता चल रहा है ना कि जो राजस्थान में मैंने बताया NRI फीस है वो इस साल बढ़ा के अब 30 के बदले $35,000 हो गई है, और 80 रुपये के हिसाब से ये मोटा मोटी 30 लाख रुपए पर ईयर आ रहा है। और 30 लाख रुपए के हिसाब से 4.5 साल की देनी है, तो आप सोच लीजिए कि 1 करोड़ 35 लाख प्लस फूडिंग, मतलब 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ये 8,60,000 जो पेमेंट सीट होती है ये भी राजस्थान के बच्चों के लिए ही होती है, ये सीटें कभी इसे ऑल इंडिया कोटा में नहीं आती हैं। इन्हीं कॉलेज के अंदर की मैं बात बताऊँ तो ये सारे सरकारी हैं, और जो दिल्ली के पास के कॉलेज हैं जहाँ लोग बहुत जाना चाहते हैं, एक है निम्स, डेंटल को खुल गया, हमें तो निम्स वो चाहिए MBBS का। स्टेट कोटा में 19 लाख, मैनेजमेंट कोटा में 22 लाख, तो फिर भी इसका ना रीजनेबल फीस है, और इस वजह से जो लोकल राजस्थान के बच्चे हैं वो इसको सीधे सारी ख़त्म कर देते हैं।
सो नॉन राजस्थानी के लिए ये एक हिंट है, एक सिग्नल है कि आपको निम्स तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि सारी सीटों पे पहला हक राजस्थानी का है। तो जो राजस्थानी 150 मार्क्स का भी होगा, 130 मार्क्स का भी होगा, वो पहले इन सीटों को ले लेगा राउंड थ्री में भी, और फिर जाके आपका नंबर आएगा, राइट। जैसे कि हम जानते हैं पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है उदयपुर, जो फिलहाल बचा हुआ है, फीस जहाँ से भी देखिए गायब हो गई है पैसिफिक मेडिकल कॉलेज वाले की, राइट। और ये पैसिफिक इंस्टीट्यूट है, फिर से बताइए 21 लाख और 35 लाख रुपये मांगते हैं समटाइम ना, मैं सोचता हूँ कि चाहते क्या है लोग। एक और जो फेमस है JNU जयपुर वाला, वो भी मांग रहे हैं 21 लाख और 25 लाख। और मैं ढूंढ रहा हूँ हमारा फेवरेट MGM जयपुर, वो कितना मांग, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज यही MGM हो गया, आज भी देखिए 15 लाख रुपए मांग रहा है, और मैनेजमेंट फीस की भी 27 लाख रुपए मांग रहा है। तो ये फीस स्ट्रक्चर है। मैं आपको फिर से बार बार वही समझाता हूँ कि राजस्थान में अब रूल चेंज हो चुका है, तीसरे राउंड तक, इस समय सेकेंड राउंड छोड़िए थर्ड राउंड में तक तो नॉन राजस्थानी अलाउड ही नहीं है, और थर्ड राउंड में भी जो पहली हक जिसे बोलते हैं सीट का है वो राजस्थान के बच्चे का है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए और उसके हिसाब से अपनी काउंसलिंग स्ट्रेटेजी बनाइए। राजस्थान को आप लास्ट बैकअप रख सकते हैं, और फिर से रिपीट करो, थर्ड राउंड भी जब आएगा तो राजस्थानी निम्स नहीं छोड़ेगा जयपुर वाला, जिसके पास पैसा है वो MGM भी क्यों छोड़ेगा 25 लाख का। तो आपको तो वही पैसिफिक या उस तरह के कॉलेज ही मिलने हैं, और उससे पहले एटलीस्ट बाकी जगह ट्राई मारिए ना, मतलब हरियाणा में भी MMU साधोपुर आ गया है, उसको भी देखिए राउंड थ्री में, और उत्तराखंड के कॉलेजेस हैं, बहुत कुछ है, मतलब बिफोर हम ये सोचें कि हम पहले उसमें ही राजस्थान का कॉलेज ले लें। ओके, सब थ्री तक हो गया, ठीक है। सो ये है आपके लिए राजस्थान का फीस स्ट्रक्चर, सीट मैट्रिक्स, पूरा फीस स्ट्रक्चर अब होम पेज पे, वेबसाइट पे डला हुआ है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैंने कौन सी सीट लेनी है, कौन सी छोड़नी है, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार। हमसे संपर्क करना चाहें, हमारी काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहें, 9643362320 पे कॉल कीजिए। आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, टेक केयर।